रायसेन से हमारे संवाददाता शरद शर्मा की रिपोर्ट। लग्जरी कार के इस्तेमाल से करते थे चोरी। रायसेन की भरत नगर कॉलोनी में लग्जरी कार से चोरी करने वाला चोर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। चोरी का माल भी किया बरामद। रायसेन के सांची मार्ग पर स्थित भरत नगर कॉलोनी में 18 फरवरी महाशिवरात्रि के पर्व पर दिन दहाड़े भगवान दास चिड़ार के निवास पर चोरी किए जाने का मामला सामने आया था। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए रायसेन एसपी विकास कुमार सहवाल जल्द से जल्द चोर को पकड़ने के निर्देश दिए, जिसके बाद एडिशनल अमृत लाल मीणा ने एसडीओपी अनीता प्रभा शर्मा के कुशल मार्गदर्शन में थाना कोतवाली टीआई जगदीश सिंह सिद्धू ने पुलिस टीम का गठन किया और आसपास के क्षेत्र के सीसीटीवी कैमरे थाना कोतवाली टीआई ने खुद खंगाले गए और बारीकी से पड़ताल के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति लग्जरी कार से उतरते हुए सामने आया, जिसके बाद तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर घटना के उपयोग में लाई गई कार आरोपी गुप्ताजी पारदी उम्र 32 वर्ष निवासी महानीम चौराहा थाना शमशाबाद जिला विदिशा को पुलिस ने गिरफ्तार किया। सख्ती के साथ पूछताछ की गई तो आरोपी ने अपना गुनाह कबूल किया। आरोपी के कब्जे से सोने चांदी के जेवरात नकदी रुपये करीब 2.5 लाख रुपए बरामद किए गए। उपयोग में लाई गई मारुति सुजुकी ए स्टार कार को भी जब्त किया गया। रायसेन से हमारे संवाददाता शरद शर्मा की रिपोर्ट। महाशिवरात्रि के दिन भारत नगर की कॉलोनी में एक शिक्षिका रहती हैं जो बाकी में पढ़ाती हैं, वो मेले में ऊपर महाशिवरात्रि में ऊपर किले पे गई हुई थी। 1:30 बजे से लेकर 5 बजे के दौरान किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा वहाँ पे उनका ताला तोड़ के सोने चांदी के जेवरात और लगभग 2.5 लाख कीमती जेवरात लिए गए थे। उसी के संबंध में वहाँ से जो तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर हमें जानकारी मिली थी, उसके आधार पर गुप्ता जी पारदी को पकड़ा गया है और उससे ये उनका चोरी